फ्रेंड सामने से भवन दिख रहा है, देखिए ये रात का नज़ारा है। मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था, एक बार और दिखा रही हूँ। और मैंने दिखा दिया था मेन बाजार कटरा का, देखिए ये रहा सामने, ये सामने लिखा मेन बाजार कटरा का, वो रहा सामने सबसे ऊंचा भवन, वो रहा सामने भवन, वो रहा सबसे ऊंचा, वो रहा देखिए। सो फ्रेंड थोड़ी सी खाएंगे हम यहाँ पे पानी, क्योंकि बड़ा दिल कर रहा है, मीठा मीठा बहुत खाए, कुछ करना खट्टा खट्टा खाने के लिए करना। क्या नहीं करते, कैसी है यहाँ पे मौसम में पानी आता हुआ? मुझे देर से छत्तीस उठा लाएंगे, बिल्कुल गोल गोल है, गोली होते हैं। सच बताओ कितने के ये? मैं टूप करने जा रही हूँ। 20 के 6 मुझे भी दिखाओ। खाना बताना कैसी है चेना? उसे वो तो बोल नहीं रही। अब दीदी बैठ, दीदी कैसा है? मस्त है। फ्रेंड्स होटल जन्नत से चेकआउट कर चुके हैं हम लोग, और अब जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। इधर ले आओ, तो ऑटो हमने कर लिया रेलवे स्टेशन के लिए। फ्रेंड चलते हैं अब रेलवे स्टेशन की तरफ, और यहीं से अलविदा करते हैं। ट्रेन में आप सो फ्रेंड्स कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं हम लोग, अब दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाके वही रोज़ की भाग दौड़ शुरू हो जाएगी हमारी। देखिए वैसे कटरा रेलवे स्टेशन इतना सुंदर बना हुआ है, और वो रहा माता का दरबार। फ्रेंड अलविदा कहने का दिल तो नहीं कर रहा, जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा यहाँ से, बट क्या करें जाना पड़ेगा। बट नेक्स्ट टाइम माता रानी बहुत ही जल्दी बुलाए, जो 9 साल लगा दिए थे वो ना हो, बहुत ही जल्दी आएंगे। बस माता से यही प्रार्थना करते हैं कि माता आप हमें जल्दी बुलाना। जय माता दी, बाय बाय। और ये आ गए हम फ्रेंड्स रेलवे स्टेशन कटरा के, जो बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। मुझे ये रेलवे स्टेशन सबसे सुंदर लगता है, ऐसा लगता है जैसे एयरपोर्ट आ चुके हैं हम लोग, बहुत ही सुंदर बना रखा है। तो माता के दरबार में बहुत अच्छे दर्शन हो गए, अब चलते हैं दिल्ली की तरफ अपने घर की तरफ, जहाँ पे हमारी रोज़ की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, रोज़ उठना, बच्चों को स्कूल भेजना। और ये 2-3 दिन हमने बहुत ही अच्छी जर्नी रही 2-3 दिन की। माता के दर्शन अच्छे हुए, भैरव बाबा के दर्शन अच्छे हुए, बहुत ही मज़ा आया। और आई होप कि आपने भी मेरी वीडियो इन्जॉय करी होगी। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही। और यहाँ पे ये लोग करवा रहे हैं फोटोशूट, तो मैं लोगों का फोटोशूट करती हूँ। सो फ्रेंड्स ये खड़ी हमारी ट्रेन, जो भी वो 1 घंटा है, तो इसलिए हम पहले आ गए हैं, 1 घंटे पहले हम आ गए। और सामने हमारा डब्बा, और ये है हमारी सीट, सबके साथ बैठे हुए आराम से। और इसलिए यहाँ पे बैठा जा रहा है क्योंकि ये सबसे साफ़ सुथरा स्टेशन है ना, देखो कितना साफ़ सुथरा है, आराम से बैठ सकते हैं इसमें। सो फ्रेंड्स सबसे साफ़ सुथरा स्टेशन यही है कटरा का, देखो कैसे आराम से बैठ सकते, कितना सुंदर लग रहा है। इसलिए बैठने में भी वही लग रहा है, आराम से पंखों के सब चल रहे हैं। वैसे ना हमें भी होटल नहीं लगे, हम यहीं पर आ गए, अच्छे पंखों के चल रहे हैं पूरा दिन की बात लग रहा है। फिर प्रशांत तो लेना था ना, तभी होटल आराम से लेते हैं। सोन जी से पहले कोई बात नहीं, 13 तारीख के बाद सोन जी का पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे भी देख ना, 13 तारीख के बाद आपका पैर ठीक हो जाएगा, वो बताऊंगी मैं कैसे ठीक। सब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जो देखना सोन।
जी का पैर कैसे ठीक होगा तेरे तरीके के बाद। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग घर पे पहुंच गए। हम लोगों ने आराम आराम सब कुछ कर लिया था। ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे यार, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और प्रसाद भी बांट दिया था, सब प्रसाद भी बांट दिया माता रानी का सबको मैंने। और फाइनली हम लोग जो कब से सोचे थे माता के दरबार में जाएंगे, फाइनली हम माता के दरबार में होके आ गए। हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हो गए, यानी सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। सो फ्रेंड, वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं अभी 9 साल बाद गई थी वैष्णो देवी और काफ़ी चीज़ें उसमें चेंज हो चुकी है, बहुत चीज़ें चेंज हो गई वैष्णो देवी में। तो वही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर कोई फर्स्ट टाइम जाएगा, कोई बहुत सालों बाद जाएगा, तो उसकी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से मैं और सोहन जी शेयर करना चाहते हैं। तो सोहन जी, आप मुझे कुछ बता रहे थे, बताना जरा प्लीज़ सोहन जी के। मैं कैमरा जरा सोहन जी के पास करती हूँ। हाँ जी सोहन जी, आपकी यात्रा सबसे पहले बताइए कि कैसी रही वैष्णो देवी की। बढ़िया रही, जय माता की। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई। माता दर्शन करने के बाद सारे दुख खत्म हो गए, जितना भी रास्ते में थकान थी, बुरा हाल था, सब माता का दर्शन करते ही, माता का दरबार देखते हैं, अभी सारी थकान खत्म हो जाएगी। एक ऐसा मैजिक है जिसको कोई नहीं समझता। जब आप माता के दरबार छोड़ो, खुश चढ़ोगे उसका, जैसे ही आप एक डेढ़ घंटे का आप चढ़ाई कर लोगे, उसके बाद आपकी ऐसी हालत होगी, आपको लगेगा बस कि मैं नीचे चले जाऊँ। ऐसे बहुत से उल्टे सीधे ख्याल आएंगे उनमें, बड़ी दुख तकलीफ होगी, लेकिन रियली लाइफ का एक्सपीरियंस, लाइफ की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जैसे ही आपको दरबार आधे किलोमीटर से दरबार जब आपको दिखने लगेगा ना, आपकी सारी थकान, जितना दर्द है, सब खत्म हो जाएगा। यही माता का वरदान है, यही चीज़ है जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। लूला हो, लंगड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, सब है, सब। जो इंसान अपने घर में 4 कदम चढ़ता हो, वहाँ पर 12 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ जाएगा, उसके बाद जो वो महसूस कर लगेगा कि मैंने कुछ किया। और सबसे बड़ी बात यही कि जो कोई भी जाने वाला हो। हाँ सुन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको कुछ कमियाँ नज़र आई थी। कमियाँ तो कोई नहीं होती, बट कुछ नहीं, कमियाँ कुछ नहीं, देखो सर, कोई कमियाँ नहीं। मेरा कहने मतलब, हम भी 9 साल हो गए, हम भी इस विचार से गए कि चलो इतना बड़ा दरबार है, सब कुछ है, जाओ वहाँ सब कुछ मिलेगा, बस पैसे देंगे तो होटल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ की जो वहाँ का जो श्राइन बोर्ड है, उन्होंने सिंपल एक रूल निकाल रखा है कि आप आओ, दर्शन करो, जाओ। वहाँ रुकने का सिस्टम नहीं है। अगर आपको वगैरह, अगर आप फैमिली से जा रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फैमिली से जा रहे हो, अब आपको रुकना पड़ेगा तो वहाँ पर आपको रुकना ओपन है, वहाँ पर धर्मशाला टाइप की है, उसमें कोई बुकिंग नहीं है। वहाँ पर आप कंबल आपको रात को 11-12 बजे मिलते हैं, वहाँ ऐसे ही ओपन रुकना पड़ता है। हाँ, अगर आपको होटल करना है तो वहाँ दुर्गा नाम से एक हॉल है जो सारा ऑनलाइन से होता है। अगर आपको दर्शन भी करने हैं, अच्छी, अगर आप ऑनलाइन से, मेरा कहना मतलब है कि सब कुछ आप ऑनलाइन से कर पहले करके जाएंगे तो आपको वहाँ जाके कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप ऑनलाइन से करा के नहीं जाएंगे, थोड़ी परेशानी यही होगी कि आप फैमिली, बच्चों से जा रहे हैं, छोटे बच्चों से जा रहे हैं, तो आपको वहाँ रात को अगर रुकना पड़ेगा तो उसके लिए बहुत थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर होटल वगैरह कुछ भी नहीं है, जो भी ट्रस्ट का है, और वो ट्रस्ट का बड़ा सबके लिए सिंपल एक ही संविधान है कि आप कम्बल लो, जहाँ आपको जगह मिली आप वहाँ पर सो सकते हो, मतलब बस यही एक चीज़ है, उसी चीज़ का एक मतलब। या नीचे कटरा में, या नीचे कट, हाँ, या तो आप कटरा में रुक के नहा धो के ऊपर चढ़ाई करो, और या आपको ऊपर रुकना है तो ऊपर के लिए आपको पहले ही ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन बुक अगर आप नहीं करोगे तो ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी। और बाकी अब भगवान माता रानी दया से भैरव तक के लिए आपकी ट्रॉली है, इतना बढ़िया सिस्टम कर दिया है। ट्रॉली में इतनी लंबी भीड़ थी, लेकिन ट्रॉली में एक बार में 40 लोग जाते हैं, और विद इन ट्रॉली आपको हर एक मिनट के अंदर, आपको मुश्किल से ऊपर एक मिनट भी लगता है, मतलब 50 सेकंड या 30 सेकंड में आपको ट्रॉली पर पहुँचाई थी। इतना अच्छा कर दिया, क्योंकि हमने ज़्यादा नोट किया है, जितने लोग उन्होंने गए होंगे पूछा होगा, माता के दर्शन के बाद इंसान टूट जाता है, उससे फिर उसका भैरव की चढ़ाई खड़ी होती है, नहीं होती। तो उसके लिए जिसने भी ट्रॉली का सिस्टम बनाया, इतना अच्छा बनाया, मैं कह रहा हूँ आधी चीज़ें रिलीव कर दी, मतलब समझ लो। और उसका टाइम भी है ट्रॉली का, बट उस, हाँ, ट्रॉली का टाइम है 7:30 बजे से शाम 6 बजे तक ट्रॉली चलती है, और बारिश में ट्रॉली बंद हो जाती है। हाँ, अगर बारिश तेज होगी तो ट्रॉली बंद हो जाती है। और सुन जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि किसी की बातों में ना आए, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने हमें कभी बेवकूफ़ बहुत बनाया था कि आपको बाढ़ गंगा में होटल मिलेगा, ये होगा, वो होगा, आप चले जाओ। भवन की एंट्री करते जैसे आप ट्राई स्टार्ट करेंगे, उसके आपको कोई होटल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो भी होगा, कोई धर्मशाला भी नहीं है। हाँ, जो भी है, जो भी आपका है, ट्रस्ट का है, जो ट्रस्ट का बना होगा वही मिलेगा, आपका होटल कोई नहीं।
जो भी होटल आपको कटरा में ही मिलेंगे, बस कटरा में। ट्रस्ट का भी तो कोई कुछ नहीं था वहाँ पे, वो ऊपर ही धर्मशाला ना, बस वो ही कटरा, वो भवन में जाके धर्मशाला थी जो थी। नहीं तो रास्ते में, नहीं तो फ्रेंड रास्ते में भी आपको लोग कहेंगे वहाँ, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी जो खड़े होंगे ना वो भी कहेंगे ना आपको कि आगे आपको बाढ़ गंगा यहाँ उसी उससे पार आपके होटल मिल जाएंगे, धर्मशाला मिल जाएगी, किसी की बातों में मत आना, कुछ नहीं मिलेगा। या तो आप कटरा में आपको ठहरने का कुछ ना कुछ होगा, या फिर सीधा भवन में जाके आपको, अगर भवन में भी कटरा नहीं होता, भवन में सिर्फ धर्मशाला होती है और जिसमें बहुत भीड़ भी होती है। और बस फ्रेंड आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी वैष्णो देवी का जो टूर है बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसी बात पे आप माता रानी के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल। और क्या करते हैं, बस यही कहेंगे, और जो लोग वैष्णो देवी नहीं गए और या जो जाना चाहते इच्छा रखते हैं माता रानी से प्रार्थना की माता उन्हें जल्दी बुलाए माता रानी, और मेरी वीडियो को लाइक कर देंगे तो और जल्दी बुलाएगी माता रानी आपको। तो इसलिए जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय, जय माता दी।